हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं गरम सूट का गला बनाना। देखिए दोस्तों, ये कढ़ाई वाला गला है और हम इसे इस तरह से बिछाएंगे। और हमने एक कपड़ा लगाया है जो दोस्तों ऊपर सीधी तरफ लगाया है और उसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे उल्टा करने के बाद। यहाँ से दोस्तों हमने सिलाई लगा दी है ताकि गला जो है फिक्स बैठे और कपड़ा जो हमारा इधर उधर ना हो, इसलिए हमने कपड़े को रोकने के लिए सिलाई लगाई है। दोस्तों यहाँ से हमें सिलाई लगानी है एक पैर का दबाव छोड़कर। एक पैर का दबाव छोड़ेंगे ताकि पाइपिंग इसकी रहेगी पतली सी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए एक पैर का दबाव छोड़कर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से दोस्तों एक पैर की सिलाई लगा लेंगे हम और उसके बाद दोस्तों इसकी कटिंग कर देंगे। बढ़ती कपड़ा जो है उसे हम कट करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है इसकी। देखिए दोस्तों ये कटिंग हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुटकी लगाएंगे हम ताकि गला जो है वो फिनिशिंग के साथ बैठे। इस तरह से हमने कुटके लगा लिए दोस्तों। इस तरह से कुटके लगा लिए हैं दोस्तों। कुटके लगाने के बाद दोस्तों हमें सीधी तरफ से इसे इस तरह से पहले तो सीधा करेंगे, उसके बाद लपकी सिलाई लगाएंगे हम। जो हमने कपड़ा लगाया है उसी पर सिलाई लगानी है हमें लपकी। इस तरह से इस तरह से सिलाई लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद दोस्तों इसमें हम 1 इंच का दबाव छोड़कर कटिंग करेंगे। इसकी जो कपड़ा है हमारा इसे 1 इंच के हिसाब से छोड़कर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने 1 इंच दबाव छोड़कर कटिंग कर ली है दोस्तों और इसे हम उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों पता है आपको, मतलब इसमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गला बन जाएगा हमारा। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये एकदम बिंदास गला बनेगा, इसमें तुरपाई की कोई समस्या नहीं रहेगी। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों और सिलाई लगाने के बाद देखिए दोस्तों इतना मतलब 1 इंच कंप्लीट हुआ है, 2 सूत कम होगा। और इस तरह से और इसे हम सीधा करेंगे और इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, 1 इंच लगभग जितना हमने दबाव लिया था उसी हिसाब से छोड़ेंगे और उसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लपकी सिलाई लगानी है, जो हमारी डिजाइन बनी हुई है गले में उसी के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है, डिजाइन के किनारे किनारे से इस तरह से। और बिल्कुल खींचना नहीं है गले को, आराम से सिलाई लगानी है। इस तरह से दोस्तों सिलाई लगा लेंगे हम, जो डिजाइन बनी हुई है गले की उसी के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और भी लगेगी जो चौड़ी सिलाई होगी, वो भी कढ़ाई के अंदर ही रहेगी, जो डिजाइन बनी हुई है उसी के अंदर रहेगी सिलाई। ये इतना दबाव है इसमें तो उसी हिसाब से हम एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे कि गला देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बना है, उल्टा करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें तुरपाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बन चुका है गला। और उल्टी तरफ भी देखिए दोस्तों, इसमें तुरपाई की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है गला। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।